पानीपत की नई सब्जी मंडी में फल सब्जी रेडी लगाने वालों से हो रही अवैध वसूली को लेकर विरोध करने पर माताखोरों ने इकट्ठा होकर पानीपत पहुंचे। माताखोरों का कहना है कि पिछले काफी समय से बदमाशों द्वारा उनसे अवैध वसूली की जा रही है। अगर माताखोर उन्हें पैसा नहीं देते तो बदमाश उनके साथ मारपीट कर देते हैं, उनका सामान उठाकर भी फेंक देते हैं। बदमाशों के खिलाफ ही कार्रवाई की मांग को लेकर सभी माताखोरों ने मिलकर पानीपत एसपी को शिकायत दी, अवैध वसूली बंद करवाने की मांग की। प्राइम बिगिन न्यूज चैनल के लिए बॉबी दुआ, पानीपत हरियाणा। हम न्यू सब्जी मंडी जो अनाज मंडी के सामने वहां से आए जी, वहां पर अवैध वसूली होती है। रोज महीने के अंदर 300-300 रुपए इकट्ठे किए जाते हैं और वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना पानी की सुविधा है, ना कोई पंखे की सुविधा है जी। हम उसी सिलसिले के यहाँ पे एसपी साहब के आए हैं अपनी रिक्वेस्ट रखने के लिए। परसों हमने अपना विज्ञापन भी दिया था प्रेस में, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब हम आज यहाँ पर इकट्ठे होकर आए हैं, अपनी बात रखेंगे एसपी साहब के यहाँ पे कि मंडी के अंदर अवैध वसूली जो खोखे वालों से, जो अपने चाय पानी वालों या जैसे मांसाखोर या सब्जी विक्रेता है जैसे, उनसे अवैध वसूली की जा रही है। कौन अवैध वसूली कर रहा है कुछ बताएंगे? ये 137 नंबर से आते हैं जी, और कपिल है उनका जो नाम है, जो दो लड़के आते हैं वो भेजते हैं और मारपीट वगैरह भी करवाते हैं उनसे। जैसे कोई पैसे नहीं देने से इनकार करे उनको धमकी देके जाते हैं, भैया अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा सामान बाहर फेंक देंगे, ये है वो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है जी। आप लोग क्या काम है? हम सब्जी मांसाखोरी है जी, सब्जी बेचते हैं वहाँ पे जी। रेडी पाए थे मेरे पास, बोले पैसे दो अंदर रेडी बाहर कर देंगे आपकी, दो लड़के भेज रखे थे जी। तो मारपिटाई भी की? नहीं मारपिटाई तो की नहीं, पर धमकी दे देने। पहले भी इस तरीके का वाक्य होता रहा है? हाँ जी, पैसे पहले भी लिए मेरे से। पहले भी आपने? हाँ जी। कितने लोग हैं इस तरीके से? दो लड़के आते हैं जी वहाँ से। तो कभी कंप्लेंट वगैरह नहीं करी उनकी जी? कंप्लेंट सर हमने उनकी कंप्लेंट वगैरह नहीं जी, कंप्लेंट नहीं करी। क्यों नहीं करी कंप्लेंट? मैं अकेला कैसे कर दे, सारे जो इकट्ठे होते थे। क्या नाम है जी? नाम सुल्तान है जी मेरा। तो आप मांसाखोरों के जी? हाँ जी, मैं मांसाखोरा प्रधान हूँ जी। क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कत सर वहाँ पे बात ये है जी, वहाँ पे हमारे मांसाखोर भाई बहुत दिक्कत में है, उनका बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि बाहर के बंदे आते हैं उनके साथ, मतलब मंथली ले जाते हैं 300 रुपये महीना, जो चाय वालों से लेते हैं 2000 रुपये, 3000 रुपये, 5000 रुपये। अगर उनको नहीं देते हैं तो उनको मार पीटते हैं, धमकी देते हैं, तो उनका सामान रेडिया पलट देते हैं। ठीक है सर, और इसलिए हम इस सिलसिले में आए हुए हैं। और जी हमारे साथ ये भाई है जिसके कल को धमकी दी थी उन्होंने, ये भाई साहब हमारे।